डांसर, कोरियोग्राफर, एक्टर और डायरेक्टर प्रभु देवा ने शादी कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने मुंबई बेस्ड एक फिजियोथेरेपिस्ट को अपना जीवन साथी चुन लिया है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि प्रभु देवा अपनी भतीजी शोभा के साथ रिलेशनशिप में है और दोनों शादी कर सकते हैं। हालांकि ताजा रिपोर्ट्स में ये दावा झूठा साबित हो रहा है। इंडिया टुडे ने प्रभु देवा के करीबी सूत्रों से हवाले से लिखा है, नहीं वे खबरें गलत थी, प्रभु देवा ने फिजियोथेरेपिस्ट से शादी की है और वो उनकी भतीजी नहीं है, फिलहाल वे चेन्नई में है। कहा जा रहा है कि प्रभु देवा कुछ समय पहले ही पीठ के दर्द का इलाज कराने के लिए इस फिजियोथेरेपिस्ट से मिले थे। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और सितंबर में प्रभु देवा के घर पर उन्होंने शादी कर ली। प्रभु देवा ने 1995 में रामलता से शादी की थी। शादी के बाद प्रभु देवा और साउथ इंडियन एक्ट्रेस नयनतारा का रिलेशनशिप खूब चर्चा में रहा। प्रभु देवा ने तमिल फिल्म विल्लू में नयनतारा को कोरियोग्राफ किया था, जहां से दोनों के बीच प्यार पनपा। 2010 में प्रभु ने एक्ट्रेस से रिश्ते की बात मानी और शादी करने की इच्छा जाहिर की। नयनतारा और प्रभु के रिश्ते में बात रामलता को भी पता चल गई थी। कोर्ट कचहरी और हंगामे के बाद 2011 में रामलता ने 16 साल की शादी खत्म कर दी। वहीं 2012 में नयनतारा ने प्रभु देवा से ब्रेकअप कर लिया था और वहीं उसके बाद 2012 में नयनतारा ने प्रभु देवा से ब्रेकअप भी कर लिया था। प्रभु इन दिनों सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुड्डा की फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई का डायरेक्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो साउथ की कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। We'll be right back.